तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आप फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना और उसके बाद आप यहाँ पे फूड लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे फूड लाइसेंस हमारे थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमने नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे दे रखा है, आप इस पे डायरेक्ट हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप यहाँ पे अपना लाइसेंस कम से कम समय में आप यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। तो आपको लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा कि आपको यहाँ पे कौन सा स्टेट है आपका। तो यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया का आपका जितने भी स्टेट है सब मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे जो अप्लाई करने वाले हैं ये हमारा यहाँ पे हरियाणा का लाइसेंस होने वाला है और हम यहाँ पे जो लाइसेंस अप्लाई करेंगे हमारा यह फूड सर्विस का होगा। तो आप देख लेना आपका यहाँ पे फूड सर्विस या फिर रिटेल है या फिर होलसेल है। और फूड सर्विस में हमारा जो कैटेगरी है यहाँ पे हमारा यह फूड वेंडिंग का है, तो हम यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। और टर्नओवर हमारे यहाँ पे कम है तो हम यहाँ पे सिंपली इसको 12 लाख से कम पे रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमारा यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ अच्छे से फिलअप करना है। सबसे पहले आपको कंपनी का नाम देना है, फिर आपको अगर आप बिजनेस अकेले कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस और प्रीमाइसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड में आपको यहाँ पे जो आपका बिजनेस का एड्रेस है वो बिजनेस एड्रेस आपको देना है। और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको यहाँ पे अपना एड्रेस देना है जहाँ पे आप रहते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब देना है और कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम देना है। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम देने के बाद आपको नीचे में आ जाएगा लाइसेंस का ईयर, आप कितने साल के लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एक साल के लिए करेंगे, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम 5 साल के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हम फूड कैटेगरी, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पे पहले देखना होगा कि आपका फूड का कैटेगरी क्या है और उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लाइसेंस के लिए अलग अलग कैटेगरी है, आप यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका बेकरी का शॉप है, केक का, तो उसके लिए यहाँ पे कैटेगरी अलग होगा। अगर आपका यहाँ पे चाइनीज फास्ट फूड का है तो आपका यहाँ पे कैटेगरी अलग होगा। अगर आपका मिठाई का शॉप है तो इसके लिए कैटेगरी अलग होगा। तो अलग अलग फूड आइटम के लिए यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट के अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख लेना है कैटेगरी और उसके बाद आपको उसको सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे जितना भी एप्लीकेशन अभी हम पूरा फिलअप कर लेते हैं और अभी हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे अभी कुछ भी फिलअप नहीं किया है। तो हमें यहाँ पे पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों को फिलअप करना है और इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सब कुछ फिलअप कर लिया है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको यहाँ पे प्राइमरी डिटेल्स डालना है, अपना ईमेल और मोबाइल नंबर। और उसके बाद आपको यहाँ पे बिलोंग्स टू में आपको यहाँ पे सेल्फ वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको सेल्फ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी मिलता है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी ऑटोमेटिक आपका जनरेट होकर के आ जाएगा। और आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे देना होगा, तो आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है और आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे दोनों हमेशा सेव करके रखना होगा ताकि आप जब भी यहाँ पे लाइसेंस को डाउनलोड करने जाएंगे या फिर अगर आपका लाइसेंस रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका लाइसेंस बना है यह देखने के लिए आपको यहाँ पे यह पासवर्ड ज़रूरी है, यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे देना होगा। तो पासवर्ड हमने यहाँ पे बना लिया है और इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उस पर आपको एक ओटीपी जाएगा, तो आपको यहाँ पे ओटीपी इंटर करना है। और ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पहले ओटीपी इंटर करना है और ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा और सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना होगा, तो डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कोई भी फिक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है फूड लाइसेंस बनाने के लिए। सबसे मेन जो है वह है आपका फोटो, आधार कार्ड और बिजली
बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी आपका लाइसेंस यहाँ पे बन जाएगा, हम लोग लाइसेंस आपका बना देंगे। या अगर आपका यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट है लेकिन किसी और के नाम पे है तो भी बन जाएगा, या फिर अगर बिजली का बिल है लेकिन फैमिली में किसी और के नाम पे है, या अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो मकान मालिक के नाम से है तो भी आपका यहाँ पे लाइसेंस बन जाएगा। तो आप यहाँ पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद का नहीं है तो। और बाकी का और भी जो होता है, जैसे कि आपका हो गया NOC हो गया, फिर टर्न ओवर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आता है, कुछ भी फूड ऑफिसर मांग सकता है और फूड ऑफिसर को आपको डॉक्यूमेंट्स देना होगा तभी आपका लाइसेंस बनेगा, नहीं तो यहाँ पे आपका लाइसेंस ऑटोमेटिक कुछ दिनों बाद हमेशा के लिए वो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है और अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे स्कैनर मिलेगा, आपको यहाँ पे पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे इनवॉइस जनरेट होकर के आ जाएगा और इस पर आपको यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और आपका बिजनेस का एड्रेस लिखा रहेगा, तो आप उसके थ्रू यहाँ पे लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपका लाइसेंस बन करके आया है या फिर आपका लाइसेंस रिजेक्ट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारा 4 से 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम लगता है और लाइसेंस आ जाता है। और बाकी अगर मिनिमम टाइम का बात करें तो हमने यहाँ पे एक एक दिन में लाइसेंस बनाया है, एक दिन में लाइसेंस यहाँ पे लोगों का हमने बना रखा है, तो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है इसका, लोगों को महीनों महीनों तक यहाँ पे वेट करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कम से कम टाइम में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग 5 से 7 दिन में लाइसेंस बना देते हैं और मिनिमम आपका यहाँ पे 1 से 2 दिन में भी लाइसेंस आ सकता है। तो इतना सारा हमने यहाँ पे लाइसेंस बना रखा है और देख सकते हैं कि यह सब यहाँ पे लाइसेंस आ चुका है और जितने भी लाइसेंस अप्लाई करते हैं हम लोग, कोई भी रिजेक्ट नहीं होता है, सब के सब यहाँ पे आ जाता है। तो आप यहाँ पे हमसे बनवा सकते हैं लाइसेंस।